थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एट दिस लेट आर फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बिंग कंडक्टेड बाई देशन टीम एक केस है जिसके मैं फैक्ट्स आपको बड़ा ब्रीफली बताता हूँ बाकी प्रेस लीज मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा एस आई टी को जो टास्क दिया गया है पी एच क्यू द्वारा गवर्नमेंट द्वारा वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हमारे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं या पनप रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमें ब्रीफ, ब्रीफ किया गया है अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे जो भी यूथ है या जितनी भी जनता है उसको जो भी टारगेट करते हैं हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो या हमारी स्टेट के बाहर किसी और टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो चाहे वो किसी चाहे वो असम से हो चाहे वो नागालैंड से हो चाहे वो किसी भी स्टेट से हो कहीं से भी कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम का गैंग अगर लेकिन हमारे बच्चों को हमारे लड़कों को हमारी जनता को अगर वो टारगेट कर रहा है तो हम हमारी ये टास्किंग है कि उन सबको हम अपने रडार पर रखते हैं और जब हो सके हम एक्शन लेते हैं। इसी श्रृंखला में एक केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आपके सामने पेश करना करने के जो एक सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है वो ये है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम को चलाने वाला कोई एक इंसान इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि वो किसी कंपनी में काम करता है चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी हो और क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है तो वो ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि उसके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट कोटा है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी जैसे हमारे वाले केस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर दीप्य दास वो है गुवाहाटी में वो रहते हैं और तीस साल की उनकी उम्र है उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो आई का एक यूनिट है गुवाहाटी में वहां पे वो काम करते हैं और क्योंकि वो वहां काम करते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय कोटा है कि अगर उनको कुछ पैसा दिया जाए कुछ एंट्री फी या कुछ लाइसेंस फी इस तरीके का कुछ उनको दिया जाए तो वो जो एम्प्लॉय कोटा है उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे विक्टिम्स को दे सकते हैं दूसरा उन्होंने एक और तरीका क्या अपनाया कि पा सकते हैं इस तरीके से उन्होंने ये भी प्रोजेक्ट किया कि उनका टाइप्स इन सो कॉल्ड वेंडर्स विक्टिम को इसने फंसाया जिससे इन्होंने थोड़ा 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 करके करोड़ इन्होंने उससे लूट लिए पहले दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख फिर चलो अभी इतना काम हो गया है तो चालीस लाख और दे दो दस लाख और दे दो इस तरह से करके वन पॉइंट वन एट करोर उन्होंने लूट लिए जो बाकी जो तीस लोग हैं उनसे भी इन्होंने इन्होंने अराउंड 1.35 1.4 करोड़ के आसपास लूट रखे तो टोटल हमारे पास अभी पौने ढाई पौने तीन करोड़ की एक ऐसी अमाउंट है जो हमें अब तक इन 31 टोटल हमारे पास जो विक्टिम्स हैं उनसे आई है कि इतना पैसा इनसे लूटा गया है आई एम वेरी श्योर कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी ऐसे विक्टिम्स आएंगे आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा हूं कि आईओ फ्रॉड करके अगर किसी भी हमारी जनता के किसी भी व्यक्ति के साथ आईओसीएल फ्रॉड करके या आई ओसीएल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करके सो so कॉल्ड ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो प्लीज एस के पास एक केस है आप हमारे पास प्लीज आइए हमसे बात कीजिए घबराने की जरूरत नहीं है आपके पास जो भी देखिए क्या विक्टिम का क्या रहता है कि चलो जो पैसा गया जो गया आगे क्या करना है समझ नहीं आता है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है हमारे पास आए हमारे पास एक बहुत बड़ा इस फ्रॉड का अक्यूज हमने पकड़ा है अप्रेन किया अरेस्ट किया है उसको उससे काफी लंबी हमारी बारह चौदह दिन की चली है उसके बाद अब वो जुडिशियल कस्टडी में है तो हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो लिंक कर सकते हैं तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है हमारे पास आइए इस श्रृंखला इस में आगे क्या हुआ जब हमने उनको पकड़ा तो इंटरीगेशन में हमें यह पता चला कि कुछ पैसा उन्होंने पुराने जो कॉल्ड so विक्टिम्स हैं क्योंकि उनको पे ऑफ करने के लिए दे दिया जैसे कई लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे कि आपने इतना सारा पैसा हमसे ले लिया ले लेकिन ले ले, हमसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो हमें कोई आपने दी नहीं तो इसने ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं अभी आपका जो पैसा है अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं आपका पैसा लौटा देता हूं इस तरह से करके उसने कहा तो उसके लिए उसने नेक्स्ट फ्रॉड किया तो ऐसे करके ये एक फ्रॉडुलेंट चेन चलती गई जिससे एक के बाद एक लोग ठगे गए और आगे वाला पैसा लेके उसमें से कुछ पार्टी अपने पास रखता कुछ पार्टियां पिछले वाले विक्टिम को दे देता उसको टेम्परली सैटिस्फाई करने के लिए इसके अलावा हमें एक और चीज में पता चली कि अपने बैंक अकाउंट्स में ये मिनिमम पैसे रखता था हमने इसके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कराने की कोशिश की लेकिन उसमें ज्यादा कुछ पैसा था नहीं तो इसलिए हमें लगा उससे ज्यादा फायदा नहीं तो हमने नेक्स्ट चीज क्या की हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये पैसा इसने किस किस तरीके से रूट किया है तो एक में पता चला कि एक इसके रिलेटिव है जिसके नाम पर इसने एक प्रॉपर्टी गुवाहाटी के आसपास ही एक प्रॉपर्टी इसने जनरेट किया लास्ट एक साल में बहुत ही तेजी से काम करा के मल्टी फ्लोर एक बिल्डिंग इसने बनाई है और वो नाम किसी और पे है लेकिन इसने जो प्रोसीज ऑफ क्राइम है वो सारा पैसा इसने उस प्रॉपर्टी में लगाया है वो प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई की वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन uh, से भी बात करके रजिस्ट्री से बात करके उसके ओरिजिनल पेपर्स हमने वाह वा मांगे और फिर अब कोर्ट में भी हमने ये अर्जी लगाई है कि जब कभी भी हम इसके इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सके पूरा करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट देंगे तो जब ये केस ट्रायल पे आएगा तो अगर कोर्ट चाहे तो उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करे उसको उसको लिक्विडेट करने के बाद जो पैसा आएगा वो हमारे जो विक्टिम्स हैं बेचारे विक्टिम जिनके पास अब वो पैसा है नहीं क्योंकि जो अक्यूज है वो पैसा वो लगा चुका है तो उसको लिक्विडेट करके विक्टिम को दिया जाए इस पूरे पौने तीन करोड़ ढाई करोड़ के आसपास में से जो अमाउंट है इसमें से करीबन सात लाख चौदह हजार रुपए हमने इन कैश रिकवर किए हैं और बाकी जो पैसा जिस प्रॉपर्टी में गया, उसके लिक्विडेशन के लिए लिख दिया इस पूरे प्रोसेस में जो हमने केस तो हमने जून में ही रजिस्टर किया था पूरी इंक्वायरी करने के बाद और विद इन ट्वेंटी डेज हमने को अरेस्ट कर लिया और मिड ऑफ जुलाई में उसको हमने जेसी भेज दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना टाइम बाद इसलिए कर रहा करो क्योंकि ये पूरा टाइम हमें दो से ढाई महीने तीन महीने लग गए ये पूरा चेन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टैब्लिश करने में कहाँ कहाँ पैसा गया है वो देखने में विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में जैसे हमने इकतीस अभी आइडेंटिफाई करें वो अपने लेवल पे किए हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखते हुए इसलिए आपके माध्यम से मैं दोबारा यही चीज़ कहता हूँ कि इतने विक्टिम्स हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और भी जो विक्टिम्स हैं प्लीज सामने आए और हमें कॉन्टेक्ट करें इसके अलावा हमें इससे कुछ सिम कार्ड्स कुछ ड्राइविंग लाइसेंस अकाउंट डिटेल्स और ये सब भी हमें बरामद हुए कुछ मोबाइल डिवाइसेस ये सब बरामद हुए कोर इसमें काम करने वाले ऑब्वियसली लाली साहब हमारे ओ सी एस आई टी है उनकी डायरेक्शन के अंडर ये सारा काम हुआ है और जो आयु हैं इस केस के वो इंस्पेक्टर विजय हैं जो मेरे राइट साइड में हैं इनके द्वारा एक टीम लीड की गई वो कि मुंगरे आप उधर देख सकते हैं हमारे सब इंस्पेक्टर हैं ये लोग थे जिन्होंने लगातार ढाई तीन महीने इस पर काम किया है अरेस्ट करने के लिए भी एक बहुत ही कैलकुलेटिव रेड गुवाहाटी में माउंट की गई और उसके बाद उसको लाया गया प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए गए और अब इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि यह फ्रॉड ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है ऐसा चल रहा है कई बार हम थोड़ा थोड़ा पैसा दे के सोचते हैं कि हमें इस तरह एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा लेकिन प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फ्रॉड को बड़े ही इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई कीजिए सब जनता से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे पांच दस लाख रुपए मांग रहे हैं देखिए इंप्लाई कोटा करके कोई चीज नहीं होती ये जरूर हो सकता है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आपकी की सिफारिश कर सकता है ये बिल्कुल हो सकता है कोई जानकार है तो कोई सिफारिश कर सकता है आपको कोई इंटरव्यू दिलवा सकता है ऐसी चीजें हो सकती है लेकिन इंप्लॉई कोटा जिससे आप कुछ पैसे दें और आपकी उसमें नौकरी लग जाए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है या फिर इस तरीके से आपसे कोई पैसे हेटने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से चौकन्ना हो जाइए शुरू से ही इस फ्रॉड को इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई कीजिए और ऐसे भी कोई अगर आपको कंप्लेंट आए तो प्लीज हमारे पास आइए रूट तक इस फ्रॉड के हम जाएंगे एस के साथ यही एक मतलब हमारा ब्रीफ है कि ऊपर ऊपर से हम काम नहीं करते रूट ऑफ द प्रॉब्लम को हम हिट करते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन जितने भी चेन ऑफ एविडेंसेस हैं वो प्रॉपरली मेंटेन और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन वी प्रॉमिस रूट तक जाएंगे तो आपके साथ भी अगर ऐसा फ्रॉड हुआ है एक तो इनिशियली आइडेंटिफाई कीजिए और अगर हो चुका है आप कुछ पैसा दे चुके हैं तो कृपया करके हमारे पास आएंगे दिस इज माई ब्रीफ आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी मीडिया जी जी देखिए जो ऑपरेशनल डिटेल है वो मैं इतना शेयर नहीं कर पाऊंगा बट मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास एक विक्टिम आए और हमने उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखी देखिए कई सारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है कई सारी बैंक अकाउंट्स के द्वारा होती है कई एन के द्वारा होती है कई चेक पेमेंट्स होती है सबको ट्रेस करते हुए हमें ये पता चला कि ये सारा पैसा जिस जगह डेस्टिनेशन पे जा रहा है वहां से अलग अलग जगह जा रहा है जैसे अक्यूज के पास आके वो पैसा कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब हम जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट वो पैसा हुआ उन सबको हम टच करने लगे उन नोट्स को टच करने लगे उनसे इंटेगेशन करने लगे तब हमें पता चला कि जिन जिन के पास जा रहा है शुरू में तो हम ये सोच के चलते हैं कि सारे अक्यूज हैं कि अगर इसके पास पैसा गया और इससे बाकी पास पैसा गया तो सारे कॉन्स्पेरेसी में है लेकिन इतने लोगों से हमने इंटरगेट किया इतने लोगों से हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि आधे से ज्यादा लोग उसमें से खुद विक्टिम्स हैं क्योंकि उनको ये पैसा तब गया है जब उनसे ऑलरेडी पैसा लुटा जा चुका है तो इस तरीके से करके हमने तीस इकतीस लोग जो है आइडेंटिफाई किए हैं लेकिन अब वो जो चेन है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है जहां जहां पैसा गया था हो सकता है पहले कुछ इन्होंने पैसा लिया हो अकाउंट में वो कहीं और गया हो या कैश पेमेंट कुछ लियो वो कहीं और गई हो तो वो अभी हमें उसका आइडिया नहीं है इसलिए हम चाहते हैं कि और विक्टिम जो आईओसीएल फ्रॉड के नाम से अगर किसी को ठगा गया तो वो हमारे सामने आवा है तो आपने डेफिनेटली हाँ, हमारे पास जो विक्टिम है जिनके साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ अराउंड करोड़ का वो जून के महीने में ही जून के शुरू में हमारे पास आए तो हमें इनिशियल इंक्वायरी करने में करीबन सात आठ दिन लगे दस दिन लगे उसके बाद हमने केस रजिस्टर कर लिया तो तो अभी इसके अंदर जो इसका फ्रॉड का जो मेन ऑर्गेनाइज क्राइम का काटर है मिस्टर ज्योतिदास वो अरेस्ट हुए हैं चार और ऐसे लोग हैं जो हमारी अभी हमारे रडार पे हैं अभी हमें ये देखना है कि कितने वो कितना पोर्शन अक्यूज है कितना तो पोर्शन विक्टिम है मतलब हम उनको अननेसेसरीली अरेस्ट uh, भी नहीं करना चाहते हैं तो हम अभी हमें ये जरूर चेक करना है कि वो अक्यूज तो हैं लेकिन क्या उनके साथ भी इसी इसी तरीके से फ्रॉड हुआ है अगर हुआ है तो फिर वी विल टेक अ लीनियन व्यू तो अभी जो मेन कॉन्स्पिरेटर है जो इस पूरे फ्रॉड को रन कर रहा था उसको अरेस्ट किया गया इसमें ये ऐसा होता है ईटानगर ऐसा केसेस काफी आता होगा ना जो लोगों को पैसा दे करके लाइसेंस देगा होता है क्योंकि तो अभी आप आईओ सी एल का बात कर रहे हैं गैस एजेंसी पेट्रोल पंप ये तो चलते रहता है और भी अन्य प्रकार का होता होगा और एक चीज आपसे ये जानकारी की

उससे चीज ने बातचीत की और उस ड्राइवर से पता लगाया कि आई के जो लोग हैं वो जैसे जिनके साथ काम करता है वो किस पोजीशन पे काम करते हैं उनका ब्रीफ क्या है उनके ऑफिस वर्किंग कैसा है और जिस जिससे ये सीख के इस तरह से पोस्ट कर पाया कि मैं खुद एक आई का एम्प्लॉय हूं और मेरे पास एम्प्लॉयमेंट कोटा करके कोई कॉन्सेप्ट हमारे लोग बहुत मासूम होते हैं न देखिये ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को चाहिए और उसको अगर ये बोला जाए कि आपको मैं शुरू में चार पांच लाख रुपए दे के आपकी सरकारी नौकरिया इस तरह से कुछ लगवा सकता हूं तो कई लोग हमारे यहां ऐसे हैं जो इजीली इस पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा डेफिनेटली हमारे लोग बहुत मासूम है लेकिन शुरू में किसी भी फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है अगर आप शुरू में नहीं करेंगे तो आप पैसा देते रहेंगे ऐसे भी हमारे विक्टिम्स हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मतलब जिन्होंने घर का सामान बेच दिया है खुद किराए के घर में रहते थे लेकिन घर का जो सामान है वो उन्होंने बेच के ये पैसा लिया और वो पैसा इन्होंने पे किया ताकि उनको किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो ये फ्रॉड है ये शुरू में अगर थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करें तो थोड़ा बेटर रहेगा अक्यूज अभी, अभी जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है जी एंड जो इनिशियल फर्स्ट चार्जशीट है वो हमने दे चुके हैं हम लोग सिक्सटी डेज के अंदर हमें चार्जशीट देनी होती है तो वो इनिशियल चार्जशीट हम दे चुके हैं बाकी जो कुछ अभी विक्टिम्स

जो डिफरेंट डिफरेंट जगह लगे हैं वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंट चार्जशीट में वो भी हम देखेंटेंट का का वाला केस खड़ा जिसको लोगों को आप बता सकते हैं देखिये आपसे हम ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे बात करते ही है कोई इम्पोर्टेंट केसेज है उसके बारे में ब्रीफ करते हैं दो तीन और इम्पोर्टेंट केसेस चल रहे हैं टाइम आने पर उसके बारे में ब्रीफ करो थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू